नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली बार हम लोगों ने प्रोटीन शुरू किया था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। उसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी क्लासिफिकेशन चल रही थी, जिसमें से हमने बताया था कि मेन जो क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के लिए वो तीन प्रकार का है। उसमें से हम एक प्रकार पढ़ चुके हैं, बाकी के जो दो टाइप्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो कंपोजिशन के आधार पर है, यानी कि संगठन के आधार पर। तो यहाँ लिखेंगे हम संगठन के आधार पर वर्गीकरण। जो पहला वर्गीकरण था वो गुणों के आधार पर था, प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। आज जो वर्गीकरण हम करने वाले हैं वो संगठन के आधार पर है, यानी कि उनकी कंपोजिशन, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो किस से मिलकर बने हुए हैं, कैसे प्रोटीन्स हैं, उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप के होंगे। तो कंपोजिशन के आधार पर जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या लिखेंगे कि प्रोटीन को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है तीन वर्गों में किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? सबसे पहली क्लास आती है सरल प्रोटीन की, सबसे पहली आती है सरल प्रोटीन्स, या जिनको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। क्या होते हैं ये सरल प्रोटीन्स? जैसा कि इनका नाम है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनकी, सिंपल है, कुछ भी नहीं होता है इनके अंदर। सिंपल अमीनो एसिड्स होते हैं जो पेप्टाइड चेन में जुड़े होते हैं, यानी कि जैसा कि आपने अमीनो एसिड पढ़े थे तब भी बताया था कि अमीनो एसिड को प्राप्त करना है तो प्रोटीन जो होते हैं उनका जल अपघटन करते जाइए। तो उनके जल अपघटन से आपको क्या मिलेंगे? आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो इसका मतलब सिंपल प्रोटीन्स की कैटेगरी में जो भी प्रोटीन्स होंगे उनका जल अपघटन करने पर केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि इनका जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल जल अपघटन करेंगे, सिर्फ अमीनो एसिड्स प्राप्त होंगे, लेकिन इनके कई टाइप हैं। सिंपल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? इसके कई टाइप हैं, और ये टाइप किसके आधार पर बताए गए हैं? कि भिन्न भिन्न विलायकों में विलेयता और ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर इनको कई टाइप्स में बांटा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर इनके बारे में कि विभिन्न विलायकों में विलेयता एवं ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर सरल प्रोटीन्स निम्न प्रकार के होते हैं, यानी सरल प्रोटीन्स भी क्लासिफाई किए गए। पहले तो प्रोटीन को तीन वर्गों में बांटा गया, उसमें से पहला वर्ग है सिंपल प्रोटीन, इसको भी कई वर्गों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रोटीन्स के अंदर वो है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन जानते होंगे कहाँ मिलता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन? नहीं जानते? अंडा देखा है, अंडे के अंदर दो पार्ट्स होते हैं ना, एक येलो पार्ट्स होता है और एक कुछ वाइट जेल जैसा रहता है उसके साथ, है ना। तो ये जो वाइट जेल होता है, यानी अंडे की जो जर्दी होती है, जो वाइट पोर्शन होता है, ठीक है, जो वाइट कवरिंग, वो एल्ब्यूमिन होती है। कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन होती है, जिसको हम अंडे की जर्दी भी बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है एल्ब्यूमिन्स। उसको खुद ही बोलते हैं एग एल्ब्यूमिन, यानी कि अंडे की जर्दी, वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये क्या होते हैं? जल में अगर इनको घोला जाए तो तुरंत घुल जाते हैं, और अगर इनको गर्म किया जाए तो अलग भी हो जाते हैं, निस्कंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ये जल में विलयशील होते हैं तथा गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे एग एल्ब्यूमिन,
अभी अभी बताया, अंडे की जर्दी, हिंदी में बोलते हैं एग एल्ब्यूमिन को अंडे की जर्दी। जैसे कि आपके ब्लड, ब्लड के अंदर जो सीरम पाया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं ब्लड सीरम, जो खून होता है उसके अंदर सीरम पाया जाता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ल्यूकोसिन, ईटीसी, ये सभी क्या है, ये सभी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के उदाहरण हैं। दूसरा जो टाइप आता है, एक तो होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इन्हें भी आप जानते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, ये जो होते हैं ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ऐसे ही एल्ब्यूमिन भी एनिमल और प्लांट दोनों में ही पाए जाते हैं, और ग्लोब्यूलिन्स भी क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट दोनों में ही पाए जाते हैं। जैसे, और अगर इनकी बात करें तो ये जल में क्या होते हैं, अभिलेय होते हैं, इनको जल में घोलो तो नहीं घुलेंगे, तो ये जल में अभिलेय, किंतु लवण जल में विलयशील होते हैं, लवण जल में विलयशील होते हैं। और लिख सकते हैं ये पौधों तथा जानवरों में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन है, इनका एग्जाम्पल है गेहूँ, गेहूँ तथा, या अन्य बीज लिखें, गेहूँ तथा अन्य बीजों में उपस्थित एडिस्टीन, गेहूँ तथा अन्य बीजों में उपस्थित कौन है, एडिस्टीन, एडिस्टीन है। इसके अलावा कौन होता है, मटर में जो लेग्यूमिन पाया जाता है वो भी इसके अंतर्गत आता है, तो मटर में उपस्थित लेग्यूमिन, इसी लेग्यूमिन के आधार पर, तो जो दाल वगैरह होते हैं उनको लेग्यूमिनोस कहा जाता है, इसी लेग्यूमिन के आधार पर, प्रोटीन्स के आधार पर, तो ये होते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसके अलावा इसका जो तीसरा पार्ट टाइप है वो है स्क्लीरो प्रोटीन, स्क्ली रो प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा होगा, स्क्लीरो प्रोटीन, यानी कि ये केवल एनिमल्स में पाए जाते हैं, किसमें, केवल जानवरों में पाए जाते हैं, और वो भी उनके स्केलेटन में, यानी कि उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जानवरों का वो इन्हीं से बनता है, स्क्लीरो प्रोटीन से बनता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जल, लवण तथा अन्य विलायकों में अभिलेय होते हैं, ठीक है। स्क्लीरो प्रोटीन क्या है, किसी में भी नहीं घुलते, अगर घुलते तो फिर आपका शरीर ही घुल जाता है ना पानी डालते ही, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी स्क्लीरो प्रोटीन से ही तो बना हुआ है, तो फिर आपकी बॉडी भी गल जाती है अगर इतने घुलनशील होते। तो ये जल, लवण तथा अन्य विलायकों में क्या होते हैं, अभिलेय होते हैं। और ये भी लिख सकते हो कि ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं, जानवरों में हम भी आते हैं, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है, वैसे भी इंसान से बड़ा जानवर कौन है, ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं, केवल जानवरों में पाए जाते हैं तथा उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर का भाग होते हैं, जानवरों का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसका मैं एग्जांपल लिखूं तो केराटिन, केराटिन तो आप जानते ही हो, जो आपके बाल हैं, जानवरों के सींग हैं, नाखून हैं, ये सब किससे बने होते हैं, केराटिन से ही तो बने होते हैं। इसके अलावा फाइब्रोइन भी इसके अंतर्गत आता है, ईटीसी, ठीक है, केराटिन, फाइब्रोइन, ईटीसी। अब फाइब्रोइन किस में पाया जाता है, रेशम, रेशम देखा है ना, रेशम के अंदर, रेशम भी तो क्या है, प्रोटीन ही तो है, तो जो रेशम के अंदर प्रोटीन पाया जाता है उसे फाइब्रोइन कहते हैं, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं और टाइप देखते हैं। ये जो स्क्लीरो प्रोटीन है इनमें भी दो उपवर्ग हैं, यहाँ लिख सकते हैं
स्क्लेरोप्रोटीन को दो उपवर्गों में बांटा गया है। स्क्लेरोप्रोटीन जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, दो उपवर्गों में बांटा गया इनको, स्क्लेरोप्रोटीन्स को। इतना नोट कीजिए, फिर देखेंगे वो कौन से दो टाइप्स हैं। क्या यहीं देख लेते हैं, एक होते हैं कोलेजन और दूसरे होते हैं इलास्टिन। इसमें भी दो उपवर्ग होते हैं, कोलेजन होता है और एक इलास्टिन होता है। ठीक है, कोलेजन क्या होता है, अगर आप नोट करना चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हैं। जो कोलेजन होता है वो क्या होता है, जो हमारी स्किन हड्डियों से कैसे जुड़ी हुई है, कोलेजन प्रोटीन्स की वजह से। तो कोलेजन का काम क्या है, जो हमारी स्किन है इसको हड्डियों से जोड़ता है, और जो हमारी हड्डियां हैं उनको मांसपेशियों से जोड़ता है। तो हड्डियों को मांसपेशी और स्किन से जोड़ने का जो काम होता है वो कौन करता है, कोलेजन प्रोटीन करता है। और इलास्टिन क्या करता है, ये जो हमारी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं और धमनियां हैं, उनके मध्य में तंतु जो पाए जाते हैं उनको इलास्टिन बोलते हैं, है ना। जितनी भी हमारी धमनियां हैं, हड्डियों और मांसपेशियों के बीच जो भी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियां, वो सब इलास्टिन से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, इलास्टिन से। तो ये इलास्टिन होते हैं, नोट कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। तीन टाइप हुए, चौथा टाइप है हिस्टोन प्रोटीन, वो भी सिंपल प्रोटीन का ही भाग होता है हिस्टोन। और हिस्टोन तो इम्पॉर्टेंट होता है, आपका डीएनए जो मटेरियल है वो हिस्टोन प्रोटीन यूज होता है उसके अंतर्गत, है ना। तो हिस्टोन तो क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। तो चौथा है आपका हिस्टोन प्रोटीन, अगला क्या है, हिस्टोन, दिख रहा है ना। तो हिस्टोन क्या होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि ये जल में विलयशील होते हैं, जल में विलय, किंतु अमोनिया में अविलय होते हैं। जल में तो घुल जाएंगे लेकिन अमोनिया में नहीं घुलते, जल में विलय किंतु अमोनिया में कैसे होते हैं, ये अविलय होते हैं। कौन, हिस्टोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी कैसा, तनु अमोनिया में अविलय होते हैं। यहाँ लिखेंगे गर्म करने पर ये स्कंदित हो जाते हैं, यानी ये भी गर्म करेंगे तो कोएगुलेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, मतलब एक थक्का, जैसे आपका ब्लड है ना, जो खून है, खून का जो थक्का जम जाता है, वो क्यों जमता है, क्योंकि ब्लड क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो ऐसे ही ये भी क्या हो जाते हैं, गर्म करेंगे इनको तो ये भी क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। इनको हिस्टोन नाम क्यों दिया गया है, आपने एक अमीनो एसिड सुना होगा ना, हिस्टिडीन, है ना। अगर ये भी कुछ उससे मिलता जुलता है हिस्टोन, इसका मतलब इनके अंदर हिस्टिडीन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक तो हिस्टिडीन और दूसरा आर्जिनिन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके अंदर हिस्टिडीन तथा आर्जिनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जैसा कि हमने बोला, हिस्टोन के अलावा तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकती, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए मटेरियल है, जो डीएनए मटेरियल कौन होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल है आपका जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, उसमें पाया जाता है ये। तो हम ये लिख सकते हैं, ये किस में पाया जाता है, यह न्यूक्लिक एसिड तथा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी आपके ब्लड में, आपके न्यूक्लिक एसिड, हर एक सेल के अंदर, आपके डीएनए मटेरियल के अंदर क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अगले हैं
तीन करा दिए थे ना पहले, तो ये तो चौथा है, तो अब जो आएगा वो कौन सा आएगा? पांचवा टाइप है ग्लूटेनिन, पांचवा टाइप है ग्लूटेनिन, ये भी एक प्रोटीन होते हैं ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन नाम भी सुना होगा, ये क्या होते हैं? ये जल तथा तनु लवणों में अविलेय होते हैं, घुलते नहीं हैं, अविलेय होते हैं। किसमें? जल में ये भी नहीं घुलते ग्लूटेनिन्स, लेकिन जल और तनु लवणों में नहीं घुलते, लेकिन किसमें घुल जाते हैं? लेकिन अम्ल तथा क्षारों में, लेकिन अम्ल तथा क्षारों में विलेय होते हैं। जल में घोलेंगे या तनु लवणों में घोलेंगे तो नहीं घुलेंगे, लेकिन अम्ल और क्षार में घोलोगे तो तुरंत घुल जाएंगे। और इनमें भी गर्म करने पर ये भी क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, ग्लूटेनिन के अंदर कौन कौन आता है? तो गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेनिन कहाँ पाया जाता है? गेहूं में उपस्थित ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। तभी तो जो स्टार्च मंड होता है जो उसका गेहूं के अंदर, उसमें ग्लूटेनिन ही तो पाया जाता है। इसके अलावा चावल में पाया जाता है, चावल में ऑर्जिनिन जो पाया जाता है वो भी ग्लूटेनिन का ही टाइप है, ETC। जो छठवां प्रकार है आपका, कितने हो गए? पांच प्रकार हो गए, है ना? छठवां जो प्रकार है, ये टोटल सेवन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रोलामीन, बस दो बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है प्रोलामीन और एक होता है प्रोटामीन, दोनों एक जैसे होते हैं, प्रोलामीन और प्रोटामीन। प्रोलामीन्स क्या होते हैं लिखेंगे, ये भी जल तथा लवण में अविलेय किंतु तनु अम्लों एवं क्षारों, किसमें? तनु अम्ल होते हैं, तनु अम्लों में, क्षारों में एवं एल्कोहल में विलेय होते हैं। जल में नहीं घुलेंगे, लवण में नहीं घुलेंगे, लेकिन तनु अम्ल में घोलो, तनु क्षार में घोलो या फिर किस में घोलो, एल्कोहल में घुल जाएंगे। और अगर इनको गर्म करें तो ये कोएगुलेट नहीं होते, यानी स्कंदित नहीं होते हैं। तो ये लिखेंगे, ये गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं। इनको कितना भी गर्म कर लो, इनका कोएगुलेशन नहीं होगा, स्कंदित नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है गेहूं में उपस्थित ग्लैंडिन नाम का प्रोटीन जो होता है। कौन? ग्लैंडिन, एक पदार्थ होता है ग्लैंडिन। स्पेलिंग ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? गेहूं में उपस्थित ग्लिएडिन होता है, काफी सारे होते हैं। गेहूं में, जौ में पाया जाता है, इसके अलावा जौ में जो हिलेडिन में जो पाया जाता है, हिएडिन, वो इसी में आया जा आता है, होडिन, सॉरी हिएडिन बोल रही हूँ मैं, होडिन जो पाया जाता है जौ में, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। लास्ट बचा है प्रोलामीन्स हो गए, तो लास्ट कौन सा बचा है इसका टाइप? बचा है प्रोटामीन। प्रोलामीन्स एक होते हैं प्रोलामीन्स और एक होते हैं प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स क्या होते हैं भाई? ये लिख सकते हैं, ये जल तनु अमोनिया तथा तनु क्षारों में विलेयशील होते हैं।
ठीक है, ये किस में घुल जाते हैं, सब में घुल जाते हैं, तनु जल सॉरी ये जल में घुल जाते हैं, तनु अमोलिया में घुल जाते हैं, तनु क्षारों में भी घुल जाते हैं, और ये भी प्रोलामीन्स की तरह गर्म करेंगे तो स्कंदित नहीं होते हैं। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं, इनका स्कंदन नहीं होता, आप कितना भी गर्म कर लीजिए, ठीक है। और अगर इनकी नेचर की बात की जाए तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ये तीव्र क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनका, इनका एग्जाम्पल देखते हैं, तो जो इनका एग्जाम्पल आता है वो है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हिस्टोन न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, वैसे प्रोटामीन्स भी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल का हिस्सा होते हैं। नोट कीजिए, ये आपका एक वर्ग, एक टाइप खत्म हुआ है ना, जो हमने संगठन के आधार पर तीन टाइप बांटे थे ना, तो जो पहला टाइप था सरल प्रोटीन्स, ये केवल वो हुए हैं खत्म। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, दूसरे टाइप क्या होते हैं, तो एक तो होते हैं सिंपल प्रोटीन्स, तो दूसरे होते हैं, नोट कीजिए पहले इन्हें, सबसे पहला वर्ग तो था सरल प्रोटीन का, और जो दूसरा है वो है संयुग्मित प्रोटीन, सेकंड है संयुग्मित प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, क्या होते हैं ये देखते हैं। संयुग्मित, संयुग्मित किसके साथ संयुग्मित, तो मतलब इसके अंदर कोई एक पार्ट नहीं होता, एक से ज्यादा पार्ट होते हैं, यानी कि संयुग्मित होते हैं किसी के साथ। तो क्या हो सकता है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, इसका मतलब ये संयुग्मित है, इसका मतलब इसमें एक तो प्रोटीन पार्ट होगा जिसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, और एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें एमिनो एसिड नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक क्या होता है, ए प्रोटीन पार्ट होता है। तो हम ये लिख सकते हैं इनमें प्रोटीन भाग के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते, अमीनो एसिड के अलावा कुछ और ही उपस्थित होता है, जिसे हम बोलते हैं ए प्रोटीन भाग, और इसी ए प्रोटीन भाग को हम एक नाम दे देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हम लिखेंगे कि इस ए प्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक समूह, हिंदी में लिखूं प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ये पहले भी पढ़ेंगे अपने 12th में, प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा होता है उसके अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और इसी प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है, इनको कई सारे वर्गों में बांटा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रोस्थेटिक समूह की प्रकृति के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है, यानी इन्हें भी कई वर्गों में बांटा गया है। जब ही हमने पढ़े थे सिंपल प्रोटीन्स, वो भी 7 वर्गों में बटे हुए थे, अब ये हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ये भी 6 वर्गों में होते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो है न्यूक्लियो प्रोटीन, इसके अंदर जो फर्स्ट आते हैं वो कौन है, न्यूक्लियो प्रोटीन,
न्यूक्लियो प्रोटीन नाम से ही समझ गए होंगे कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड में। ये जटिल संरचना वाले प्रोटीन होते हैं जिनका प्रोस्थेटिक भाग न्यूक्लिक अम्ल द्वारा बनता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड द्वारा निर्मित होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जंतु तथा पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अरे भाई न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं, सेल्स के अंदर ही तो होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये तो डीएनए मटेरियल्स का निर्माण करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, जंतु तथा पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल लें, ईस्ट ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्रोमोसोम्स अभी तो बोला क्रोमोसोम्स ही तो होते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स पर ही तो डीएनए पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड से ही तो बनते हैं। तो ईस्ट है आपका, ये जो क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियो हिस्टोन है, ईटीसी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स तो आप जानते ही होंगे ना, जो आपका बॉडी में जेनेटिक मटेरियल जितने भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो सब क्रोमोसोम से ही तो ट्रांसफर होती है एक संतति से दूसरी संतति में। दूसरे जो पार्ट है वो है ग्लाइकोप्रोटीन, पहले है न्यूक्लियो प्रोटीन, दूसरे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या होते हैं भैया ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिख सकते हैं इस प्रकार के प्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न होते हैं। इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कौन होते हैं, जैसे ऊपर वाले में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन थे न्यूक्लिक एसिड्स, वैसे इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कौन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इन्हें जो है म्यूको प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो इन्हें म्यूको प्रोटीन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, म्यूको प्रोटीन्स, क्योंकि इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका ये जो लार होता है, जो जीभ से टपकता है ना लार, उसके अंदर जो हमारा जो सलाइवा होता है उसको इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं लार को, तो सलाइवा के अंदर म्यूसिन पाया जाता है, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सलाइवा के अंदर पाया जाने वाला म्यूसिन, ठीक है, म्यूसिन जो होता है वो एक ग्लाइको प्रोटीन होता है। हमने दो टाइप पढ़ लिए, जिसका तीसरा टाइप है वो है फॉस्फो प्रोटीन, एक ग्लाइको प्रोटीन होते हैं और एक होते हैं फॉस्फो प्रोटीन, ये है आपका थर्ड टाइप, कौन है फॉस्फो प्रोटीन्स। नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फो है ना, फॉस्फो है इसका मतलब इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन होगा, फॉस्फोरिक अम्ल हो सकता है ना। तो यहां लिखेंगे इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप किससे बना होता है, नाम से पता चल रहा है फॉस्फोप्रोटीन से, इसका मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप में कौन होगा, फॉस्फोरिक अम्ल होगा। और ये जो है
ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? एग योक, जो अंडे का पीला पीला भाग होता है ना एग योक, उसमें फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं, एग योक में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो केसिनोजेन होता है, केसिन जो दूध के अंदर जो शर्करा जो शुगर पाई जाती है केसिन, उसमें केसिन के अंदर क्या पाया था? केसिनोजेन। तो एग योक, केसिनोजेन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो तीन, बाकी के तीन टाइप और बटे नोट बचे हैं, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। जो चौथे हैं वो है क्रोमोप्रोटीन, जो चौथे हैं क्रोमोप्रोटीन, नाम से पता चल रहा होगा क्रोमो का मतलब कलर, यानी कि आपने देखा होगा ना बहुत सारी चीज़ें जो कलरफुल होती हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, तभी तो वो हमें कैसी दिखाई देती हैं? कलरफुल दिखाई देती हैं, जैसे कैरेट है ना, कैरेटिनोइड की वजह से। तो हम यहाँ कह सकते हैं इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप किससे बना होता है? कोई क्रोमोफोर होता है। क्रोमोफोर क्या होते हैं? रंगीन अणु जिनसे रंग उत्पन्न होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इनका प्रोस्थेटिक समूह क्रोमोफोर द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो किससे बना होता है? क्रोमोफोर्स से बना होता है। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमोफोर्स वो होते हैं जो किसी पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं भाई? रंग उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जांपल में लें तो ब्लड का रेड कलर, ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? या फिर ऐसे लिखें रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, पेड़ पौधे हरे दिखते हैं किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। यह लिख सकते हैं पेड़ पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ये सभी किससे बनते हैं भाई? ये सभी क्रोमोप्रोटीन से बनते हैं, है ना। हमारा जो मांस होता है, मांस भी देखा है ना कैसा होता है, जैसे मांस देखा होगा अगर आपने, गुलाबी से रंग का होता है यानी लाल रंग का, वो भी किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो होता है। अगले जो है वो है पांचवा टाइप जो है वो है लाइपोप्रोटीन, ये जिनको बोलते हैं हिंदी में लिपो प्रोटीन। क्या होते हैं ये लिपो प्रोटीन्स? इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लेसिथिन, कीफेलिन, कोलेस्ट्रॉल, क्या क्या पाया जाता है? लेसिथिन, कीफेलिन, कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में? लेसिथिन है, कीफेलिन है, कोलेस्ट्रॉल है, और आपके फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। और ये कहाँ किस क्या पाए जाते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं कि ये स्नायु तंत्र कोशिकाओं आदि का मुख्य भाग निर्मित करते हैं, मुख्य भाग
निर्मित करते हैं। जो आपका सिक्स टाइप है, पांच हो गए ना आपके, एक हो गए क्रोमोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स और लास्ट बचे हैं धात्विक प्रोटीन, जिन्हें हम बोलते हैं मेटलिक प्रोटीन्स, धात्विक प्रोटीन्स। समझ ही गए होंगे नाम से, इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप किससे बनेगा भाई? धात्विक प्रोटीन्स है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके रूप में होगा? किसी धातु से बना हुआ होगा। लिख सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में धातु उपस्थित होते हैं। और एग्जांपल्स आप जानते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? आयरन होता है ना, आयरन मेटल। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, और ये आपका अभी हमने क्या लिखा था, एक तो हीमोग्लोबिन और एक क्लोरोफिल है ना, मैग्नीज धातु जो होता है, तो आयरन मैग्नीज धातु इस तरह से होता है। तो इसके इसमें भी, इसके धातु प्रोटीन्स के एग्जांपल में भी कौन आते हैं? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। कलर की वजह से इनको क्रोमो प्रोटीन्स में भी रखा जाता है, और धातु उपस्थित होने की वजह से इनको क्या कहते हैं, धात्विक प्रोटीन्स में भी रखा जाता है। तो ये तो था दूसरा टाइप। अब हम देखेंगे हमारे तीसरे टाइप। तीन टाइप, तीन वर्गों में बांटा था ना, सिंपल प्रोटीन्स हो गए, कंजुगेटेड प्रोटीन्स हो गए। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो देखेंगे हम, जो कि है व्युत्पन्न प्रोटीन्स या ड्राइव्ड प्रोटीन्स जिन्हें बोलते हैं हम। जो थर्ड टाइप है आपका वो है व्युत्पित प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन्स कौन आते हैं इनके अंतर्गत? जो हमारी ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं वो आते हैं इनके अंतर्गत। क्या होते हैं ड्राइव्ड? नाम से पता चल रहा होगा, ड्राइव्ड मतलब किसी और से ड्राइव्ड होंगे ऐसे प्रोटीन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो केवल नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। तो ड्राइव्ड हैं, किससे ड्राइव्ड होंगे? प्रोटीन से ड्राइव, यानी कि जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, जब हम उन पर किसी अम्ल क्षार या एंजाइम्स की अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जिस टूटे हुए भाग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन्स बोलते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन्स पर अम्ल क्षार या एंजाइम्स की क्रिया द्वारा प्राप्त अपघटित उत्पाद इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहां लिख सकते हैं इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो में। जैसे अभी देखा था हमने, सिंपल प्रोटीन सेवन पार्ट्स में डिवाइडेड थे, कंजुगेटेड प्रोटीन जो थे वो सिक्स पार्ट में डिवाइडेड थे। और ऐसे ये प्रोटीन्स होंगे, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे? ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं दो भागों में। पहले होते हैं इन्हें बोला जाता है प्राथमिक प्रोटीन व्युत्पन्न। एक होते हैं प्राथमिक प्रोटीन व्युत्पन्न और एक होते हैं सेकेंडरी प्रोटीन व्युत्पन्न। तो हम लिखेंगे कि ये प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, परंतु संरचना में थोड़े से भिन्न होते हैं, है ना।
मिलेंगे तो प्रोटीन के जल अपघटन से ही, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, ये लग प्रोटीन जैसे नहीं होते, इनसे थोड़ा सा क्या हो जाता है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, और लेकिन मिलते किससे हैं, प्रोटीन के जल अपघटन से ही मिलते हैं। और ये भी कई टाइप्स में बांटे गए हैं, प्राथमिक प्रोटीन व्युत्पन्न जो है वो भी कई तरह के होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इनके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से इनके प्रमुख प्रकार, पहले होते हैं प्रोटीन्स, दूसरे हैं मेटाप्रोटीन्स, तीसरे हैं कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं, प्रोटीन्स हैं, मेटाप्रोटीन्स हैं और कोएगुलेटेड प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई, हम जानते ही हो, ये भी किससे मिलेंगे भाई, जल अपघटन से ही मिलेंगे, बट इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी, कि ये जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रिया में जो बनते हैं अभिलेषशील प्रोटीन, उनसे बनते हैं ये, अभिलेषशील प्रोटीन होते हैं ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है वो इसका ले लें तो कैसीन जो होती है, कैसीन किस में पाई जाती है जानते हो ना, दूध दही में जो पाई जाती है कैसीन, वो आती है इसके अंदर। यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल लें प्रोटीन्स का, तो एग्जाम्पल है इसका केसिन, केसिन फाइब्रिन, किसमें पाई जाती है केसिन, दूध और दही में जो पाई जाती है केसिन वो, और जो रेशम में जो पाई जाती है फाइब्रिन वो है। ठीक है, और अगर आप मेटा प्रोटीन्स देखोगे, इसका एग्जाम्पल होता है एल्ब्यूमिनेट। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जो हम पढ़ ही चुके हैं सारे, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिनेट ईटीसी हम पढ़ चुके हैं, एल्ब्यूमिन आपको पता हो तो, जो एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिनेट होते हैं उनको मेटा प्रोटीन्स बोलते हैं, जो केसिन और फाइब्रिन वगैरह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोटीन्स। और लास्ट बचे हैं आपके कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, ये किसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन्स, इन्हें क्या कहते हैं, या फिर इनके लिख सकते हैं इन्हें डी क्या कहा जाता है, डीनर्चर्ड। डीनर्चर्ड का मतलब होता है जब हम प्रोटीन्स पर किसी बाहर से किसी अम्ल वगैरह की जो अभिक्रिया कराते हैं तो वो टूट जाते हैं, उसको डीनर्चरेशन बोलते हैं। तो ये क्या से प्रोटीन्स होते हैं, डीनर्चर्ड प्रोटीन है, तो इसीलिए इनको डीनर्चर्ड प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे तीनों टाइप्स जो हमने किसके आधार पर बनाए थे, जिसके आधार पर बताए थे, संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर तीन टाइप में बांटा गया था, और उन तीन टाइपों को भी कई प्रकार में बांटा गया था, लेकिन अभी ये क्या है, प्राथमिक प्रोटीन व्युत्पन्न है, इसको दो वर्गों में बांटा है ना, तो दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रोटीन व्युत्पन्न। एक तो होते हैं प्राथमिक प्रोटीन व्युत्पन्न और दूसरे हैं द्वितीयक प्रोटीन व्युत्पन्न। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, द्वितीयक प्रोटीन व्युत्पन्न, इसमें क्या कौन होते हैं भैया, क्या लिखेंगे, जब अणु का जल अपघटन इतना अधिक हो जाए कि वह टूट जाए, तो क्या प्राप्त होते हैं, तो हमें द्वितीयक प्रोटीन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं हमें भाई, द्वितीयक प्रोटीन व्युत्पन्न हमको प्राप्त होते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, पेप्टोन्स और पेप्टाइड जो आते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ले सकते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं पेप्टोन्स और दूसरे होते हैं पेप्टाइड्स। ठीक है, एक होते हैं पेप्टोन्स और एक होते हैं पेप्टाइड्स, नोट कीजिए जल्दी से। ये था संगठन के आधार पर वर्गीकरण। एक लास्ट वर्गीकरण बचा हुआ है जो कि होता है कार्यों के आधार पर। नोट कीजिए।
तीसरा वर्गीकरण हम देखेंगे, एक वर्गीकरण देखा गुणों के आधार पर, दूसरा देखा संगठन के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण बचा है कार्यों के आधार पर। किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर वर्गीकरण हम ये लिख सकते हैं, कार्यों के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। कार्यों के आधार पर, अरे सॉरी, कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं संरचनात्मक प्रोटीन, नाम से पता चल रहा होगा, संरचनात्मक प्रोटीन जो हमारी बॉडी की संरचना में भाग लेंगे, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो इसी से ही बनी होती है। तो हम लिखेंगे मनुष्य के शरीर का लगभग आधा भाग इनके द्वारा निर्मित होता है, इनके द्वारा निर्मित होता है। इनका कार्य क्या है? बॉडी का निर्माण करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, केराटिन है, कोलेजन है, जो भी आपकी बॉडीज में यूज होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, केराटिन, कोलेजन, ईटीसी, जो भी आपकी बॉडी की संरचना बनाने में भाग लेते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं संकुचन प्रोटीन, संकुचन प्रोटीन, ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, संकुचन प्रोटीन, इनका काम क्या है? संकुचन, ये आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो, ये जो संकुचन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये जो प्रोटीन्स हैं जो आपको ये अलाउ कर रहे हैं संकुचन करना, तो ये वो होते हैं। तो इसका मतलब ये किस में पाए जाते हैं, किसका निर्माण करेंगे? शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इनके द्वारा शरीर की मांसपेशियों का निर्माण होता है। क्या बनाती है ये? मांसपेशियां, मांसपेशियां बनाती हैं, जैसे मायोसिन है, एक्टिन है, जब गर्म जब उसको कोड़ते हैं, फैलाते हैं, तो इसमें जो यूज होती है मायोसिन, एक्टिन यूज होती है। तो एग्जांपल क्या है? मायोसिन, एक्टिन, ईटीसी। तीसरा टाइप है हॉर्मोन्स, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स भी प्रोटीन ही होते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि कई प्रोटीन्स, कई प्रोटीन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सभी क्या है? प्रोटीन्स हैं। जो हार्मोन्स हैं वो सभी प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स हार्मोन्स नहीं होते हैं। जैसे कोई एक हार्मोन तो आप जानते भी हो, इंसुलिन, ये क्या है? प्रोटीन ही तो है, बहुत ही फेमस हार्मोन है, सभी जानते हैं इसे, तो इंसुलिन, तो ये भी क्या है? हार्मोन्स का ही एक उदाहरण है। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है हार्मोन्स का? इनका काम होता है बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में जो संवेगात्मक गतियां होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे इंसुलिन, जिसका काम क्या होता है? ग्लूकोज का पाचन करने का। तो अलग अलग तरह के हार्मोन्स के अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स के बाद आते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब क्या है? प्रोटीन से ही तो मिलकर बने हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं ये लिख सकते हैं हम, शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका काम करता है, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं ना इनको, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम्स को क्या बोला जाता है भाई? जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटलाइज करने का काम किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। और एंजाइम्स आपने काफी सारे पढ़ भी रखे हैं, याद हो तो, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन,
अभी कुछ ही कल या कल या इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था शायद हम लोगों ने अपने ये सभी एंजाइम, ठीक है। कितने हो गए? संरचनात्मक प्रोटीन्स हो गए, संकुचन प्रोटीन्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। जो अगले हैं वो है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जो आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रखते हैं ना, वो किसका काम होता है? एंटीबॉडीज का। तो एंटीबॉडीज भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और छठवां जो टाइप है एंटीबॉडीज में, ज्यादा लिखाने को है नहीं, ब्लड प्रोटीन्स। अगर आप लिखना चाहो एंटीबॉडीज में तो आप लिख सकते हो कि जब शरीर पर कोई बाहर से कोई आक्रमण होता है या कोई वायरस बैक्टीरिया जब अटैक करता है तो शरीर के अंदर कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है जो उन बाहरी पदार्थों को जो हमें बीमार कर सकते हैं उनको खाकर खत्म कर देते हैं, तो उनको ही बोला जाता है एंटीबॉडीज। इसका मतलब इनका रिलेशन हमारी किससे होता है? इम्यूनिटी से होता है। ये हमारे जो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको बनाते हैं। इन्हीं की वजह से हम बीमारियों से सुरक्षित बचे रहते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं होगा तो फिर हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो ये एंटीबॉडीज़ भी क्या होते हैं? एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, तो आप लिख सकते हो इनके बारे में। और रक्त प्रोटीन्स जो होते हैं, नाम से ही समझ गए होंगे, रक्त प्रोटीन यानी किस में पाए जाएंगे? रक्त के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? लाल कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, तो वो भी रक्त प्रोटीन है। फाइब्रोनिजिन पाया जाता है आपके रक्त में, तो ये सभी क्या है? रक्त प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन्स, ब्लड सीरम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ब्लड प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका प्रोटीन्स का वर्गीकरण। इतने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उनको इतने भागों में बांटा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।